नमस्कार जी चिल्स मुख्य समाचार में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे केंद्र और राज्य सरकारों की बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान, नए नियम, नया कानून, छुट्टियां, मौसम, नौकरियां समेत देश विदेश और आपके राज्य की 50 बड़ी खबरें। भारत का परमाणु त्रिशूल अब और भी घातक, INS अरिदमन, अरिहंत और अरिघाट के साथ मिलकर भारत को अजय बनाएगा। 3500 किलोमीटर तक की रेंज वाली K4 मिसाइल से लैस ये पनडुब्बी चीन के लिए बड़ा सरदर्द साबित होगी। भारत की परमाणु ताकत अब दुश्मनों के लिए खौफ का सबब बनेगी। हिंद महासागर की सुरक्षा पर बांग्लादेश ने दूरी बनाई, जबकि मालदीव ने चीन को झटका देकर भारत का हाथ थाम लिया। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव ने आतंकवाद, साइबर हमले और संगठित अपराधों के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाया। बांग्लादेश का रवैया सवालों के घेरे में। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने तीस्ता जल बंटवारा संधि पर भारत से बातचीत फिर से शुरू करने की इच्छा जताई। बांग्लादेश ने कहा कि गंगा और तीस्ता दोनों नदियों के जल बंटवारे पर अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का पालन होना चाहिए। पश्चिम बंगाल की अड़चने हटते ही समझौते पर बातचीत तेज हो सकती है। मोदी कैबिनेट का किसानों के लिए बड़ा तोहफा, 13,966 करोड़ रुपए की लागत से 7 बड़ी योजनाओं को मंजूरी। डिजिटल कृषि मिशन, फसल विज्ञान, पशुधन स्वास्थ्य, बागवानी विकास, कृषि शिक्षा और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण कदमों से किसानों की आय और जीवन स्तर में बड़ा सुधार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जाति जनगणना की मांग पर बड़ा झटका दिया, सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा ये केंद्र सरकार का मामला है, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। याचिकाकर्ता ने जनगणना में देरी और डेटा में अंतर का मुद्दा उठाया था, लेकिन कोर्ट ने इसे नीतिगत मामला बताते हुए याचिका खारिज कर दी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। विधानसभा के स्पेशल सत्र के पहले दिन बीजेपी ने मृतक ट्रेनी डॉक्टर को सदन में श्रद्धांजलि दी। ममता सरकार मंगलवार को एंटी रेप बिल पेश करेगी। ममता सरकार ने दुष्कर्मियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड संशोधन बिल 2024 पेश किया है। इस बिल में दुष्कर्म और हत्या के दोषियों को 10 दिनों के भीतर फांसी की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा दोषियों को शरण देने वालों को भी 3 से 5 साल की सख्त सजा दी जाएगी। भाजपा का सदस्यता अभियान 2024 धूमधाम से शुरू। पीएम मोदी ने सबसे पहले सदस्यता ली, फिर जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। मोदी ने कहा हमने कमल को दीवारों पर नहीं दिलों पर पेंट किया है। एक समय था जब हमारे कार्यकर्ता जेल या बेल पर रहते थे, आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। राहुल गांधी ने मोची रामचेत को अपने व्यापार के लिए 50,000 रुपए से अधिक की सामग्री भेजी, जिसमें सिलाई का सामान, जूता चप्पल बनाने का कच्चा माल शामिल था। रामचेत अपने गुमटी पर बैठे थे जब एक लग्जरी कार से सरप्राइज गिफ्ट उनके पास पहुंचा, जिससे उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। तीजापुरा पर छत्तीसगढ़ की महिलाओं को मिला विष्णु भैया का अनमोल तोहफा। मुख्यमंत्री ने महतवारी वंदना योजना के तहत 70 लाख महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए भेजे। ये आर्थिक मदद नहीं बल्कि महिलाओं की शक्ति और सम्मान की पहचान है। झारखंड सरकार का बड़ा तोहफा, अब कैंसर मरीजों के लिए इलाज के लिए 15 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना में कैंसर को शामिल कर मध्यवर्गीय परिवारों को भी सुविधा दी जाएगी। राशन कार्ड धारियों के लिए अबुआ स्वास्थ्य योजना में भी 15 लाख तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था है। हरियाणा में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है, गांव शहरों में मरीजों की संख्या 100 पार चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने जांच अभियान छेड़ा, जबकि विकास और पंचायत विभाग ने सभी गांवों में फॉगिंग के निर्देश दिए हैं। जल्द ही सभी इलाकों में डेंगू के खिलाफ युद्ध स्तर पर कार्रवाई शुरू होगी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के पूर्व पीए विभव को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप में 100 दिनों से जेल में था। कोर्ट ने कहा मालीवाल को चोटें सामान्य थी, जमानत का हकदार है, शर्त अब सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे। उड़ीसा में शराबबंदी नहीं होगी, बल्कि सरकार शराब के दुष्प्रभावों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि गुजरात और बिहार जैसे हालात उड़ीसा में नहीं बनने देंगे। साथ ही राज्य में डांस बार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। योगी सरकार ने नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में गोमती नदी किनारे 4.27 करोड़ रुपए की लागत से नया घाट बना रही है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राजघाट और दशावमेव घाट के बीच बनने वाला ये घाट 12 महीनों में तैयार होगा। नैमिषारण्य का धार्मिक महत्व और पर्यटन विकास के लिए ये एक बड़ा कदम है। गाजियाबाद में फ्लैट खरीदने का सुनहरा मौका। GDA की पहले आओ पहले पाओ स्कीम के तहत मोदी नगर में पहले ही शिविर में 15 फ्लैट बुक हो चुके हैं। 10% रकम जमा करने पर आवंटन पत्र तुरंत मिल रहा है। बैंकों ने होम लोन की सुविधाएं भी दी हैं। खाली फ्लैट्स के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है, ये मौका हाथ से ना जाने दें। मौसम अपडेट, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मूसलाधार बारिश ने कहर बरपाया। बाढ़ से 22 लोगों की मौत हो गई है और 86 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। 17,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वैष्णो देवी के रास्ते में लैंडस्लाइड से 2 महिलाओं की मौत हुई। 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। कोलकाता कांड, RG कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को CBI ने किया गिरफ्तार। वहीं TMC ने कोलकाता कांड पर 3 न्यूज चैनलों ABP आनंदा, रिपब्लिक और TV9 का बॉयकॉट करने का ऐलान किया।
आरोप लगाते हुए कि ये चैनल बंगाल विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। पार्टी ने बंगाल वासियों से भी इन्हें खारिज करने की अपील की है। अभी आगे जानेंगे और भी महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100 प्लस फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपर फास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जीचल्स पर। बिहार में देश का सबसे बड़ा बकरा सीमेंट बैंक बन रहा है, जो उन्नत बकरी पालन को बढ़ावा देगा। 1.55 करोड़ की लागत से बने इस बैंक में ब्लैक बंगाल नस्ल के बकरों का सीमेंट सुरक्षित होगा, जो 50 साल तक सुरक्षित रहेगा। 10,000 पशुपालकों को मुफ्त सीमेंट दिया जाएगा, जिससे उनकी बकरी पालन में बल्ले बल्ले होगी। कैनेडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो को स्टील वर्कर ने खुलेआम फटकार लगाई। 40% टैक्स देने के बाद भी डॉक्टर की सुविधा ना मिलने पर कर्मचारी भड़क गया। कहा, अब आपको चुनाव नहीं जीतने देंगे। ट्रूडो के वादे सुनते ही नाराजगी भड़क उठी। कोलकाता रेप मर्डर केस में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। डॉक्टरों का 24वें दिन भी प्रदर्शन जारी। पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग। बीजेपी ने भी सिलीगुड़ी और अलीपुर द्वार में विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने वाटर कैनन से उन्हें रोका। मोदी कैबिनेट का बड़ा ऐलान, इंदौर से मुंबई को जोड़ने वाली नई रेलवे लाइन को मंजूरी मिली। 18,036 करोड़ की इस परियोजना से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 6 जिलों में 1,000 गांवों और 30 लाख लोगों की सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। 30 नए स्टेशनों का निर्माण होगा, जिससे क्षेत्र की गतिशीलता और विकास को बढ़ावा मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े पीडोफाइल एशले पॉल ग्रिफिथ ने 60 बच्चियों के साथ यौन शोषण, बलात्कार और दुर्व्यवहार के 300 से ज्यादा मामलों में अपराध कबूल किया। चाइल्ड केयर में काम करते हुए 2003 से 2022 तक उसने मासूमों की जिंदगी बर्बाद की। कोर्ट में सुनवाई के दौरान माता पिता की आंखों में आंसू थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में नितेश कुमार ने बैडमिंटन में भारत को दूसरा गोल्ड दिलाया। ग्रेट ब्रिटेन के डैनियल बेथेल को 2-1 से हराया। ये भारत का 9वां मेडल है। इससे पहले योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में सिल्वर जीता था। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने विवादित बयान देते हुए असमिया लोगों से मियां मुसलमानों से मछली नहीं खरीदने की अपील की। उन्होंने कहा, मियां मुस्लिम मछली पालने में यूरिया का उपयोग करते हैं, जिससे किडनी को नुकसान होता है। AIUDF के बदरुद्दीन अजमल ने इस बयान की कड़ी निंदा की है। कल निफ्टी ने लगातार 13 दिनों की तेजी का नया रिकॉर्ड बनाया। 42 अंकों की बढ़त के साथ 25,278 पर बंद हुआ। सेंसेक्स ने भी 82,725 का ऑल टाइम हाई छुआ और 194 अंक की तेजी के साथ 82,559 पर बंद हुआ। वहीं चांदी 2,643 रुपए गिरकर 82,376 रुपए प्रति किलो और सोना 521 रुपए की गिरावट के साथ 71,437 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 2,000 लाइक्स। अगर आपके राज्य, जिले और शहर की खबर छूट गई है तो हमें कमेंट में जरूर अवगत कराएं। अगले वीडियो में हम आपके क्षेत्र की खबर लेने की पूरी कोशिश करेंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।